Hello everyone, I am Gurdeep from B Designing Department of Hans Raj Mahila Mahavidyalaya College, Jalandhar. Today my topic is opaque fabrics. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि opaque fabrics होते क्या हैं. Opaque fabrics होते हैं जैसे light fabric, ना तो वो net होती है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है. मींस एक जैसे हम एग्जांपल बता सकती हूँ मैं आपको, एक दुपट्टे वाला फैब्रिक या टिश्यू वाला फैब्रिक हो गया, ठीक है. इन दोनों में ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो ये ओपेक फैब्रिक्स कहलाए जाते हैं. अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखाऊंगी जिसमें मैंने ओपेक फैब्रिक को डिपिक्ट किया है और आप उसको ट्राई करोगे. ये देखिए, ये मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाई है जिसमें मैंने जो सेंटर पैनल है वो मैंने ओपेक फैब्रिक का रखा हुआ है. ये मैंने कोल्ड शोल्डर स्लीव्स बनाई हैं, ठीक है. और ये मैंने लेयर्स रखी हुई हैं, जैसे ये सॉलिड फैब्रिक है, ये ओपेक फैब्रिक है, ये सॉलिड फैब्रिक है, देन फिर ओपेक फैब्रिक है. अभी मैं आपको ये वाले फैब्रिक की, ये वाले लेयर की डिटेल बताऊँगी कि ये करना कैसे है. ये देखिए, जैसे मैंने लेग्स को थोड़ा डार्क टोन में रखा है क्योंकि अगर हमने ओपेक फैब्रिक की डिटेल देनी है तो वो मर्ज नहीं होनी चाहिए. सिंपल एक हल्का सा प्रेशर यूज़ करना है आपने. इन दिस वे साइड्स पे आपको ज़्यादा डार्क करना है क्योंकि आप साइड्स पे लेयर दिखा रहे हो, राउंडनेस दिखा रहे हो. ऐसे लेग्स के ऊपर आपको ज़्यादा थोड़ा सा डार्क करना है क्योंकि ऑलरेडी लेग्स की डार्क टोन है तो वो एक लेयर बन जाएगी. कलर के ऊपर कलर जब चढ़ जाता है तो एक लेयर सी शो होती है. इन दिस वे ठीक है जी. ऐसे ही आपको ओपेक फैब्रिक डिपेक्ट करना है जिसके अंदर से लेग्स या शोल्डर्स या सेंटर पैनल बॉडी का दिखाई देता है, ठीक है जी. ऐसे आपको करना है. मैंने इस पर सबसे पहले वाटर कलर के साथ एक लेयर अप्लाई करी है, उसके बाद मैंने रेंडरिंग करके और उसके बाद मैंने स्टेडलर के साथ उसकी सॉफ्ट सी टोन शो करी है. इसके साथ ही आपका ओपेक फैब्रिक डिपेक्ट हो जाएगा. Stay safe, stay home, thank you.